हरम गेट की तहजीन आराइश पर करोड़ों का खर्च, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मसाइल खत्म नहीं हो सके हैं। हरम गेट पर तजावजात की भरमार है। ताजिर बरादरी का भी एहतजाज सामने आया है, हरम गेट पर नाजायज तजावजात से छुटकारा दिलाया जाए, ऐसा कहना है ताजरों का। और उनका मजीद कहना था, ना बिजली है ना पानी है, बेहंगम तारों और ट्रैफिक से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के हरम गेट पर ही मौजूद हैं, जहां पर ये लोग सरापा या एहतजाज हैं। ये सारी ताजर बरादरी है, यहां पर इनके लाखों करोड़ों के यहां पर कारोबार भी हैं, जो सारे कारोबार इनके मुतासर होते हैं। तो सिर्फ यहां की ट्रैफिक की वजह से, ये जो पीछे आपको एक गेट नजर आ रहा है ये हरम गेट है, और इस पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, इसकी तजीनों आराइश पर। लेकिन जो इसकी जो सूरत हाल वो इस वजह से खराब है, क्योंकि यहां पर जो ट्रैफिक है उसका इंतहा बुरी सूरत हाल है। रिक्शा स्टैंड यहां पर खड़ा होना चाहिए, तजावजात की यहां पर हम भरमार हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं ये सराबे एहतजाज हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये जो नाजायज तजावजात हैं इनसे जान छुड़वाई जाए, ताकि ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जा सके। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट के अंदर कितनी दुकानें हैं और इनको किन किन मुश्किल का सामना है। जी मुझे आप ये बताएं, तीवरी से यहाँ पे मतलब बताया जाता है, यहाँ पर हरम गेट पे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान 5000 साल पुराना शहर है, और हरम गेट मुल्तान का दाखिली दरवाजा है, मरकजी दरवाजा है। मुल्तान के 6 दरवाजे हैं और हरम गेट को, हरम दरवाजे को एक मरकजी हैसियत हासिल है। ये कारोबार का हब है, मुल्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मुल्तान के अंदर 32 बाजार हैं अंदरून शहर में, और 4000 दुकानें हैं, बल्कि 4000 से ज्यादा दुकानें हैं। सबका कारोबार ठप है कि यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पब्लिक लैट्रीने नहीं है, बाबडा की तरफ से लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, बिजली की तारें झूल रही हैं, अंडरग्राउंड ना सेवरेज निजाम है, ना टेलीफोन का सही सिस्टम है। और गेट की तरफ बाहर आए जहां लोग आकर रुकते हैं, यहां अरबों रुपए रोजाना की तजारत होती है। सराफा बाजार अंदर है, काले मंडी अंदर है, चूड़ी बाजार अंदर है, चूड़ी सराय मार्केट है, जूतों की मार्केट है, गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है। अफसोस है कि पीने का साफ पानी नहीं है, लैट्रीने नहीं, पब्लिक लैट्रीने नहीं है। यहाँ पार्किंग जो सबसे बड़ा मसला है कि जो जनूबी पंजाब भर से आप इसको सूबा बनाने की बात करिए। यहाँ पर आपने मसाइल देखे, यहाँ पर ये मुल्तान का हब है कारोबार का, लेकिन यहाँ पर अगर मसाइल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर इतने ज्यादा मसाइल है, ना पीने का साफ पानी है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 300 सिर्फ इस गेट के अंदर 300 से ज्यादा दुकानें हैं। इन 300 दुकानों का मतलब यह है कि 300 खानदानों का रोजगार यहाँ पर लगा हुआ है, और एक दुकान के अंदर कम से कम 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि 900 से 1200 लोग इस गेट के अंदर, जो जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ है, यहाँ से चल रहा है रोजगार। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल वो इतना ही खराब हो चुका है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि लड़ाई शुरू हो गई, जिससे ट्रैफिक की वजह से लोग आपस में हतमगुत्ता हो जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। बरादरी सराफा एहतजाज है, ना बिजली है ना पीने का पानी है, बेहंगम तारों ट्रैफिक से निजाम भी मफलूज होकर रह गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल, आप हमें तफसीलन आगाह करें।